ही है ना, मतलब पुराना है लेकिन नए के जैसे यूज करते हैं, मतलब पुरानी चीज बाद में कभी काम आ जाए ना तो उसको नए ही बोलते हैं। ये जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लोर ज़्यादा किया था मोटो ब्लॉग्स वगैरह, तो मेरे पास सेटअप है नहीं, मैंने फिर भी ऐसे ही ट्राई किया था जैसा भी अगर हो जाए, और हुआ भी। आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो है मेरा बीकानेर पे, मैं पहले आपको ये स्टोरी बताता हूँ कि बीकानेर पे हुआ गया था। जब हम वहाँ प्रेम भाई के घर से आए थे, प्रेम भाई मतलब भाई पिछले ब्लॉग वाले, उनके घर से जब हम चालू हुए थे वापस बीकानेर अपने होटल आने के लिए, तो वहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, गड्ढे के ऊपर से मेरी बाइक जंप कर गई और गाड़ी का पिछला टायर जो है फट गया। उसके बाद फिर हमने गाड़ी जैसे भी टोचन करके उसके होटल तक लेकर के आए। वहाँ पे फिर सेकेंड डे मैं गाड़ी को यूं ही फटी हुई टायर को चलाते हुए मैं शोरूम पहुंचा तो भाई साहब शोरूम वालों ने कहा टायर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इधर उधर आप जुगाड़ लगाइए। तो हमने फिर वही जुगाड़ वाला सिस्टम, मतलब सदियों से चला आ रहा है जुगाड़, तो वही जुगाड़ कुछ हमने भी लगाया। तो यहाँ पे टायर हमारे निकल गए, रिम अलग है, उसको लेकर के जा रहे हैं हम टायर शॉप पे जहाँ पे वो होगा चेंज। तो MRF टायर लग रहा है अभी इसमें, टायर जो है वो हो गया है रेडी, और अभी मैं ऑटो लेकर के जा रहा हूँ वापस से शोरूम, क्योंकि शोरूम पे गाड़ी छुटी हुई है और टायर यहाँ भाई साहब पीछे, और लगभग 4100 का टायर आया। ठीक है, मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि भाई ये राइड जो है सही से हो जाए, बीच में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। और फाइनली इस होटल को बाय कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं दूसरे होटल पे। तो चलते हैं, अभी यहाँ से लगभग बज चुके हैं 6:45, और इतना टाइम इस वजह से क्योंकि भाई साहब गाड़ी, तो चलते हैं अभी। बीकानेर से हम निकल के आए, कम से कम 100 किलोमीटर चले, 100 किलोमीटर के बाद हमने यहाँ पे होटल बुक करवाया था, यहाँ पे आकर के हम रुके, इस वजह से क्योंकि रात के टाइम पे बहुत से चीज़ें जो है ना छूट जाती है तो मज़ा नहीं आता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे होटल ले लिया था। अभी फाइनली हो चुके हैं 11 बज चुके हैं, अभी जाते हैं खाते हैं उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। लगेज बाउंस हो चुका है, थोड़ा थोड़ा कुछ बचा है वो भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से सीधे। टेस्ट उतना अच्छा नहीं है बट ओके है, इसको करते हैं फिनिश, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। हो गया खाना, अभी चलते हैं, थोड़ा सा जो लगेज बाकी है उसको बांधते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल हम लोग रुके हुए थे, एक प्यारा सा बोर्ड दिखा यहाँ पे, सम जो है 190 पोखरण, जो कि आप जानते होंगे पोखरण क्या हुआ था, नहीं जानते तो गूगल सर्च करिए, मज़ा आ जाएगा जान के। और रामदेवरा जो कि यहाँ पर 23 किलोमीटर है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे पोस्ट फोटोग्राफ्स हमने लिए हैं अपने इंस्टा पोस्ट के लिए। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो चेकआउट करो, ऊपर देखो आ रहा है इंस्टाग्राम का, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाकर खोल के देखो, लाइव अपडेट्स वहाँ पे मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। भैया एक घंटे में कितना किलोमीटर मारे अपन? 67 किलोमीटर एक घंटे में, 70 है, फिर रुक गए ना जी अभी। हाँ, एक घंटे में बस 70 फिर रुक गए जी, तो अभी चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। और भाई साहब जैसलमेर में स्वागत तो देखिए हमारा, सारे ट्रैवल एजेंट हमारे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, एक तो हमारे बाजू में आके बात कर रहे हैं। क्या जैसलमेर कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए? कनौट। हाँ जी कनौट। कनौट जैसलमेर क्या विचार? कनौट 120 नहीं जाना, ये भाई जैसलमेर वार म्यूजियम और काफ़ी अच्छा, लेकिन यहाँ जाने का अभी टाइम है नहीं, तो हम ये रिटर्न पे देखेंगे जैसा भी है। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने
कैंप पे जहाँ पे हमारा नाइस डे है, आप ये देख सकते हैं कैंप्स बने हुए हैं यहाँ पर, वहाँ पे अपना ट्रेडिशनल प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर भी कैंप्स बने हुए हैं, तो इस जगह पर हैं अभी। और फिलहाल मैं आपको अंदर से अपना रूम दिखाता हूँ। भाई साहब ये चीज़ मैं कल सुबह भी करने वाला हूँ, लेकिन अभी देखिए आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये हमारा रूम, हमने सामान वगैरह सारे यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। ये बेड है, डबल बेड, काफ़ी अच्छा टेंट है, टेक्सचर वगैरह जो अंदर दिए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं। और अंदर वॉशरूम है जो कि भैया अभी गए हुए हैं तो मैं नहीं दिखाऊंगा, वो निकलते हैं फिर मैं आपको शो करता हूँ। और अभी का प्रोग्राम ये है कि बाहर में प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो चुका है तो वहाँ पर जाएंगे हम। वहाँ पर जाने के बाद फिर थोड़ा सा प्रोग्राम देखेंगे, इंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। ये जो शख्स है यहाँ से निकल चुके हैं तो अभी हम आपको इसका दर्शन करवाते हैं दर्शन करवाते हैं हमारे वॉशरूम का। तो ये है हमारा वॉशरूम, गर्म पानी, ठंडा पानी, बाकी वो तपस्या करने की जगह हमारे गौरव भैया के हिसाब से। और ये चलो, बस इसमें एक समस्या क्या है पता है भैया, अंदर घुस जाएंगे ना लॉक नहीं होता, मतलब ना हवा का झोंका है ना ये मारे फिर एकदम भाई। प्रोग्राम जो है ऑलमोस्ट हो गया है, अभी है सीन यहाँ का कि ग्रुप डांस, बॉडी जो है ठंडी हो रही है उसको गर्म करते हैं आग में, तो चलते हैं अभी। तो अभी का सीन ये है कि यहाँ पे जो फोक कल्चर था, यहाँ का राजस्थान का कल्चर था, वो यहाँ पे सारा हो गया है। तो अभी खाना खाने का समय है, और बाय द वे ग्रुप डांस चल रहा है वहाँ पर, तो इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि म्यूज़िक चल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, तो कॉपीराइट आने के चांसेस हैं, जो कि हर बार हो ही जाता है ऐसी जगहों पर मेरे साथ। तो भाई साहब ये है हमारा खाना आज का रेडी हो चुका है। ये कुछ यहाँ की डेजर्ट सब्जी कहते हैं इसको, समझ नहीं आया मेरे को क्या है, कुछ नया आइटम है। ये भिंडी और ये आलू, ये मैंने सिर्फ एक रोटी ली है क्योंकि मुझे दाल बाटी खाना है, तो अभी खाना खाते हैं। तो भाई साहब इस प्यारी सी जगह पर बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर मिले हुए हैं हमको, मुश्ताक भाई हमको यहाँ पे मिले हुए हैं, मतलब क्या गा रहे थे ना यार, मतलब शब्द नहीं है, मज़ा आ गया यार। अभी आपको और बोल भी नहीं सकता मैं बजाने, क्योंकि टाइम हो गया, आप लोग का भी काफ़ी मेहनत लगता है आपको भी। सर जी एक्चुअली ऐसा है कि ये तो माइक है जी, तो हमारा जी ये चलता रहता है, हमारे को बोलते हैं मंगनियार बोलते हैं। हाँ अच्छा। रियलिटी देखा जाता है हम राजस्थानी फोक गाने वाले हैं। हाँ। बट हिंदी में लिटिल बिट गजन एंड कवाली पॉसिबल है। हाँ। और आउट ऑफ कंट्री गए थे जब हमने इंग्लिश में भी सॉन्ग गाया था। अच्छा। तो जी ऐसा ये चलता रहता है, ये माइक तो आए है, हम लोग विदाउट माइक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं। जो है आप इतने बड़े कलाकार हैं, हम एक कहावत है, हर हीरो की गंठड़ी ग्राहक बिना मते खोल, अवश्य हीरो को पारकू लेव से मांगे बोल। सही बात। तो जी ये है, ये राजस्थान अपना सम सैंडियो ने, बहुत देश विदेश के लोग आते जाते रहते हैं, हमारा ये काम है गाने बजाने का। तो हमारे साथ ये लड़कियां डांस कर रही है, इनको बोलते काल बेलिया, क्या क्या नाम है, अदरवाइज कास्ट है इनका नाम, एक का सुशीला है, एक का नाम इंदिरा है। तो ये अपने ग्रुप में जॉइंट हम आते जाते रहते हैं, होटलों में काम करते हैं, शादी ब्याह में काम करते हैं, देश विदेश को जैसे आप बुलाते हैं तो वहाँ कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं। तो जी ये चलता है बहुत सही। तो ये थे हमारे मुश्ताक भाई। फिलहाल तो ऐसा है कि भाई साहब डिनर हो गया हमारा, तो लगभग रात के 12:16 हो चुके हैं, मैं अभी भी यहाँ पर रात तापते हुए बैठा हुआ था। फिलहाल आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आपको अगला व्लॉग देखने के लिए मिलेगा, ज़बरदस्त वाला व्लॉग। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।